नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स हाहाकार पार्ट 3। मैडम फॉक्स। मैडम फॉक्स बोली, तुमने अपना काम पूरा किया वैम्पायर डॉल, अब मैं अपना काम पूरा करती हूँ। वैम्पायर का टेस्ट कराती हूँ परमाणु को। ठीक इसी पल हवा के झोंके की तरह लहराया एक साया। मैडम फॉक्स सोचने लगी, ओह यह क्या साया था? प्रियलंका का, जिसके चेहरे पर उस वक्त थे रणचंडी से भाव। प्रियलंका सोचने लगी, मुझे आने में देर हो गई, यह चुड़ैल शायद अपना काम कर चुकी है। सुर्ख उठी वैम्पायर डॉल की आंख। वह बोली, परमाणु की शुभचिंतक प्रियलंका। वैम्पायर डॉल के झीने चमगादड़ी पंख फड़फड़ाए, नुकीले दांत खून पीने के लिए आतुर हो उठे। चमगादड़ की तरह चिंचियाकर उछली वैम्पायर डॉल। प्रियलंका ने सोचा, दो तरफा हमले का जवाब देना होगा मुझे। प्रियलंका से आ चिपकी वैम्पायर डॉल और बोली, मैं चाहूँ तो तेरा खून चूस सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मजबूत शिकंदे में कस गई प्रियलंका। वैम्पायर डॉल ने कहा, मैडम फॉक्स परमाणु को जागृत करो। कुटिल मुस्कुराहट उभरी मैडम फॉक्स के पतले होठों पर। मैडम फॉक्स ने कहा, परमाणु को कंट्रोल करने के लिए जो शब्द मैंने दिया है वो है हाहाकार। हाहाकार 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 परमाणु हाहाकार। परमाणु सोचने लगा, उफ किसी शक्ति ने मेरे मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है। वैम्पायर डॉल ने कहा, अब तुम जाओ परमाणु के पास, और उसने प्रियलंका को परमाणु की तरफ उछाल दिया। प्रियलंका के मस्तिष्क में प्रोफेसर की आवाज़ गूंज उठी, प्रियलंका भागो, तुम्हें परमाणु से मुकाबला नहीं करना है। प्रियलंका बोली, लेकिन प्रोफेसर परमाणु। मैडम फॉक्स ने कहा, अब इन दोनों में से जो भी मरे, जीत हमारी ही है। प्रोफेसर ने प्रियलंका से कहा, उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। सुपर हीरो से सुपर क्रिमिनल बन चुके परमाणु की आंखों से सुपर रेंज निकलकर प्रियलंका की तरफ लपकी। अब प्रियलंका वहां रुकी नहीं रही थी। प्रियलंका सोचने लगी, प्रोफेसर कैसे ला पाएंगे परमाणु को उसके वास्तविक रूप में। परमाणु के मस्तिष्क में हाहाकार मच गया। नरक द्वार पर क्षणिक प्रसन्नता झलक उठी। मैडम फॉक्स ने कहा, परमाणु हाहाकार मचाने के लिए निकल पड़ा है वैम्पायर डॉल, अब उसे रोकना मुश्किल है। वैम्पायर डॉल बोली, अब उसे केवल परमाणु की मौत रोक सकती है। परमाणु की उपस्थिति किन्हीं सुखद क्षणों में मीठी सनसनी फैला देती, लेकिन उस समय गुपचुप वहां फैल रही थी मौत की सनसनी। लोग बोले, अरे यह कैसा मानव है, पोशाक तो परमाणु जैसी है, शायद परमाणु ने चेहरे पर कोई मास्क पहना हुआ है आज। हॉकी खेलना भूल गए बच्चे और बोले, परमाणु परमाणु इज ग्रेट, ऑटोग्राफ परमाणु ऑटोग्राफ परमाणु। परमाणु ने बच्चों पर वार किया। बच्चों की किलकारियां एकाएक चीखों में बदल गई। बच्चे बोले, ये परमाणु नहीं कोई शैतान है, भागो। गोली की तरह दंदराती वह कार वहां आकर रुकी, और वह कार थी प्रोफेसर की। प्रोफेसर बोले, जल्दी करो डेविड, इधर एक भरी पूरी बस को परमाणु अपना निशाना बना चुका था। लोगों ने कहा, बस में आग लग गई, बचाओ। परमाणु ने कहा, हाहाकार। डेविड बोला, बचिए प्रोफेसर। प्रोफेसर चीख पड़े, हरी अब डेविड, एक्सरे एटॉमिक गन से निशाना लो, क्विक फायर डेविड फायर। डेविड के लिए परीक्षा की घड़ी थी, फायर दाग दिया उसने। परमाणु के कंठ से उबल पड़ी तीव्र करहा। अगले ही पल आश्चर्यजनक रूप से सुपर क्रिमिनल परमाणु बदल गया सुपर हीरो परमाणु में। परमाणु ने कहा, ओह एकाएक ही जैसे दिमाग से कोई बोझ सा हट गया है। परमाणु को लगा हैरत का एक और झटका। परमाणु बोला, प्रोफेसर आप यहाँ, और डेविड तुम भी? प्रोफेसर ने कहा, मैं डेविड को यहाँ न लाता तो शायद आज मैं परमाणु से हाथ धो बैठता। डेविड सोचने लगा, काश ऐसे ही मैं माइकल को भी बचा पाता। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु अब तुम्हें देर नहीं करनी है, वैम्पायर डॉल और मैडम फॉक्स का अंत तुरंत आवश्यक है। परमाणु ने कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ प्रोफेसर, अब ये दोनों शैतान मेरे हाथों से बचेगी नहीं। प्रोफेसर ने कहा, इस बार तुम्हें उन दोनों तक पहुँचाएगी प्रियलंका। प्रोफेसर के इतना कहने के साथ ही वहाँ कई एम्बुलेंस व पुलिस जीपें आकर रुक चुकी थी। शीघ्र ही प्रोफेसर ने कहा, प्रियलंका कुछ देर मेरा चार्ज संभालने के लिए शुक्रिया, अब तुम्हें परमाणु की मदद के लिए उसके पास होना चाहिए। प्रियलंका बोली, यस प्रोफेसर, उसी सैटेलाइट के माध्यम से मैं उन दोनों चुड़ैलों का पीछा कर चुकी हूँ, जिसके जरिए आप प्रत्येक पल पूरे शहर पर निगाहें रखते हैं। नरक द्वार में खलबली मच गई थी। वैम्पायर डॉल ने कहा, मैडम फॉक्स यह हमारे लिए एक खतरनाक बात है, वैम्पायर अगर नष्ट होने लगी तो तुम्हारे आविष्कार की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मैडम फॉक्स ने कहा, अब हमें डेविड को पहले समाप्त करना होगा, और यह काम करेगी हमारी वैम्पायर टीम इन विशेष एनिमल जीन्स वैम्पायर टैबलेट से।
मैडम फॉक्स ने वैम्पायर टैबलेट्स वैम्पायर टीम में बांट दी और बोली, वैम्पायर डॉल, इन टैबलेट्स का चमत्कारी रूप देखोगी तुम। इस बार इस पूरी टीम को कंट्रोल करने वाला शब्द होगा किलर। किलर, चमत्कृत सी हो उठी वैम्पायर डॉल मैडम फॉक्स की कार्य कुशलता देखकर और बोली, वंडरफुल। नर्क द्वार से निकल पड़ी वैम्पायर टीम। प्रियंका बढ़ रही थी परमाणु और डेविड के साथ। प्रियंका ने कहा, प्रोफेसर हम निकट हैं उस स्थान के। प्रोफेसर ने कहा, मुझे रिपोर्ट देते रहो। डेविड सोचने लगा, उन दोनों चुड़ैलों की मौत के साथ ही मिलेगी माइकल की आत्मा को शांति। परमाणु ने सोचा, मुझे भी जानना है कि वैम्पायर डॉल दरअसल है कौन। अचानक ठिठक पड़े सब। प्रियंका ने कहा, परमाणु, वैम्पायर टीम। परमाणु बोला, इनके घातक प्रहारों से बचना डेविड। डेविड ने कहा, मेरी गन तैयार है परमाणु। वैम्पायर टीम का वह आक्रमण वाकई जबरदस्त था। आक्रमण का जवाब उससे भी घातक। प्रियंका ने कहा, परमाणु को खूंखार क्रिमिनल बनाने का बदला तो मैं उन्हीं चुड़ैलों से लूंगी। तुम्हारे साथ तो केवल उस जंग का ट्रेलर। डेविड की आंखों के सामने कौंध रही थी माइकल की लाश। डेविड बोला, आओ कुत्तो, आज डेविड या तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा या खुद मिट जाएगा। परमाणु ने कहा, परमाणु के हाथों कई मासूम बच्चों व इंसानों के बुरी तरह घायल होने के जिम्मेदार तुम भी हो। इधर डेविड से मौत अब कुछ ही दूर थी। परमाणु डेविड की तरफ लपका और बोला, बचो डेविड। एक साथ दो काम किए परमाणु ने। डेविड को मौत से उस पल के हजारवें हिस्से में बचा लिया उसने और परखच्चे उड़ गए वैम्पायर की खोपड़ी के। उसी के साथ डेविड ने कहा, वैम्पायर टीम पर हमने विजय पाली है परमाणु। प्रियंका बोली, असली विजय अब दोनों चुड़ैलों की मौत के बाद मिलेगी परमाणु। परमाणु ने कहा, वह क्षण भी अब दूर नहीं प्रियंका। तभी वैम्पायर डॉल बोली, सचमुच दूर नहीं है अब वो क्षण। सामने थी वैम्पायर डॉल। वैम्पायर डॉल ने कहा, लेकिन मौत आएगी सिर्फ तुम तीनों की। तुमने बहुत बार रास्ता काटा है मेरा। तीनों चौंक पड़े और बोले, वैम्पायर डॉल यही है। परमाणु ने कहा, प्रियंका तुम डेविड के साथ मैडम फॉक्स को घेरो, मैं इसके पर कुतरता हूँ। डेविड बोला, मैडम फॉक्स से तो मुझे भी अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। वैम्पायर डॉल परमाणु पर झपटी और बोली, परमाणु उन दोनों के नर्क द्वार तक पहुँचने से पूर्व मैं तुझे नर्क भेज चुकी होंगी। इस बार न बच सका परमाणु वैम्पायर डॉल के पंजे से। वैम्पायर डॉल ने कहा, वैम्पायर डॉल तेरा सारा खून बाहर निकाल देगी परमाणु। परमाणु सोचने लगा, उफ, इसके पंख सुइयों की तरह चुभ रहे हैं मुझे। नर्क द्वार से भीतर प्रवेश किया डेविड और प्रियंका ने। मैडम फॉक्स ने कहा, आओ डेविड, आओ प्रियंका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, भून डालो इन्हें। वैम्पायर टीम इस बार खेल रही थी मौत के पटाखों से। प्रियंका ने डेविड से कहा, बचो डेविड। फर्श पर फिरकनी की तरह फिसली प्रियंका और बोली, अगला वार प्रियंका करेगी। बुलेट से तेज असर था प्रियंका के घूसे का। प्रियंका ने कहा, आज तो मैडम फॉक्स को शैतान का बाप भी नहीं बचा सकता। तुम क्या चीज़ हो बेटे। डेविड हतप्रभ था उस लड़की का कारनामा देखकर। वह सोचने लगा, ये प्रियंका लड़की है या कोई तूफान। मैं उठ भी नहीं पाया अभी और इसने पांचों को ठिकाने लगा दिया। डेविड का निशाना बनी मैडम फॉक्स। डेविड ने कहा, मैडम फॉक्स मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार तू है। डेविड की आंखों में खून उतर आया। प्रियंका ने उसे गिरने नहीं दिया और बोली, परमाणु को सुपर क्रिमिनल बनाने का मजा तुझे चखाने के लिए मेरे हाथ कब से बचल रहे हैं। और इस बार मैडम फॉक्स ने एक वैम्पायर टैबलेट अपने मुंह में रख ली। मैडम फॉक्स ने कहा, तुम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। मैडम फॉक्स बन गई सुपर क्रिमिनल। मैडम फॉक्स ने कहा, पावर, पावर शब्द से मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। खूनी गुर्राहट गले से निकालती मैडम फॉक्स दोनों पर झपटी। डेविड ने कहा, बचो प्रियंका। प्रियंका केवल बची ही नहीं बल्कि उसने मैडम फॉक्स पर वार कर दिया। डेविड ने एक्सरे एटॉमिक गन पूरी की पूरी खाली कर दी मैडम फॉक्स पर। इसी के साथ प्रियंका के शरीर से भी छूटी घातक किरणें। दोनों के निशाने एक ही समय पर टकराए मैडम फॉक्स के जिस्म से। तुरंत ही लाश में बदल गई मैडम फॉक्स और देखते ही देखते अपने असली रूप में आ गई। उधर परमाणु और वैम्पायर डॉल में छिड़ी थी खूनी जंग। परमाणु सोचने लगा, उफ, उसे दूर करने के लिए मुझे अपने शरीर पर करंट प्रवाहित करना होगा। परमाणु कामयाब रहा। परमाणु ने सोचा, अब ये मुझसे चिपकने की चेष्टा नहीं करेगी। परमाणु शैतान को देखकर जिसका खून लावे की तरह खौल उठता है। परमाणु ने सोचा, पहले तेरे ये दोनों पंख तोड़ दूँ। दोनों पंख तोड़ डाले उसने वैम्पायर डॉल के। वैम्पायर डॉल परमाणु की इस हरकत पर खींच उठी और बोली, मेरे पंख ही मेरे शक्ति थे परमाणु, उन्हें नष्ट करके तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। मेरे नाखून तेरा मुंह नोच सकते हैं। परमाणु ने उसकी नाजुक कलाई थाम ली
और बोला, अगर हल्का सा झटका दे दूं तो तुम्हारी बाजू उखड़कर मेरे हाथ में आ जाएगी डॉल, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा नोचूंगा। घबराओ नहीं, तुम्हारे चेहरे पर नोचने के लिए नकाब है, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं न जाने कब से बेकरार हूँ। और उसका नकाब उतारते ही जहाँ डेविड के मुँह से हैरत भरी चीख निकल गई, अलीशा, वहीं परमाणु भी बुरी तरह चौंक पड़ा था। अलीशा, तुम वैम्पायर डॉल? अलीशा ने कहा, हाँ, साटी की गुप्त खोजों को चुराया करती थी मैं। अलीशा ने अब कुछ भी छिपाना बेकार समझा था। अलीशा ने कहा, और जब मुझे मैडम फॉक्स के गुप्त आविष्कार का पता चला तो मैंने वैम्पायर डॉल के रूप में उसे अपने पास बुलावा भेजा, लेकिन अब मेरा भेद खुल चुका है, मैं जीवित तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगी परमाणु। अलीशा ने अपनी अंगूठी के नग में रखा पाउडर अपनी जीभ पर रख लिया। पलक झपकते ही पोटेशियम साइनाइड ने उसका शरीर नीला कर दिया। चैन का लंबा सांस छोड़ती हुई कह उठी प्रियलंका, हाहाकार मचाने का सपना लिए ही चली गई दोनों चुड़ैले। परमाणु बोला, हर बुराई के अंत की तरह इनका भी अंत लिखा था प्रियलंका। डेविड ने कहा, आज माइकल की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। तो यह थी परमाणु सीरीज की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।